अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? खैर के साथ हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी शॉपिंग आपके साथ शेयर होगी, जिसमें करिश्मा और नूरे डिज़ाइनर के हमारे ड्रेस आए हैं। हमने शॉपिंग की है एक अपने कस्टमर के लिए जो यूएसए बेस्ड कस्टमर हैं। इंशाल्लाह आपके साथ इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि माशाल्लाह ड्रेस की लुकिंग कैसी है और कैसे कैसे ड्रेस जो है करिश्मा ने जब है लॉन्च किए हैं विंटर के लिए, और तमाम की तमाम कलेक्शन जो है इनकी विंटर बेस्ड कलेक्शन है। फर्स्ट में जो इनका वॉल्यूम आ जाता है, ये इनका पॉलिश फोन फैब्रिक के अंदर ये इनका ड्रेस है। करिश्मा का ये आर्टिकल है वॉल्यूम 1, और ये ड्रेस का माशाल्लाह जो है कलर स्कीम है ड्रेस की। अब आपके साथ इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वीडियो के एंड तक लास्ट में देखिएगा। जिन व्यूवर्स ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द अज जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आपका हमारा साथ इसी तरह। ले जी माशाल्लाह, पहले ड्रेस जो है इसके मैंने आपके सामने फ्रंट ओपन कर दी। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके ज़्यादा टाइम ना लें और टू दी पॉइंट में आपको हर चीज़ आपका टाइम भी सेव करें और आपको चीज़ें भी बताएं। ये इसका माशाल्लाह फ्रंट आ गया। फ्रंट की लुकिंग आपके सामने है कि सारा सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, तिल्ला वर्क है और इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है सारा। नेक लाइन के ऊपर जो है ये इसकी लैस आ जाएगी, जो इसकी आप वी स्टाइल में जो है इसकी लैस बनेगी ऐसे करके। आपको मैं हल्का सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऐसे करके इसकी लैस बनेगी वी स्टाइल में जो नेक के ऊपर लगेगी। आप माशाल्लाह कह रहे हैं कि जो इसके जो सारी शर्ट है इसके ऊपर सारा सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, और एंड पॉइंट के ऊपर आप अगर ये चेक करें तो ये माशाल्लाह एक पैच वर्क दिया हुआ है। ये पैच आपका सिंपल सिलाई मशीन के साथ भी जॉइंट हो जाएगा। ये आप चेक करें तो ये आपका जो एंड पॉइंट होगा दामन, आप जो कह रहे हैं ये दामन के ऊपर आपका पैच जो है यहाँ पर करके जॉइंट होगा फ्रंट और बैक के ऊपर। इसके बाद मैं आपको इसकी जो बैक है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बैक के ऊपर भी इन्होंने सिंपल सी जो है इसकी बैक प्लेन से फ़ोन की दी हुई है, आपके सामने इसका मैं ओपन कर देता हूँ। ये इसकी प्लेन बैक है, बट बैक इनको इतनी प्लेन करनी नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली ड्रेसेज हैं और वेडिंग कलेक्शन है, इतना प्लेन अच्छा नहीं लगता। अब आपको मैं इसके जो है बाजू चेक करवा देता हूँ। बाजू जो है इसके माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी फैंसी बनाए हुए हैं, और ये आप अगर चेक करें तो ये इसके स्लीव्स आ जाते हैं। माशाल्लाह स्लीव्स के ऊपर आगे ही सारा सीक्वेंस वर्क का एक जाल नुमा बनाया हुआ है और ऊपर सारा सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। ये आप अगर चेक करें तो माशाल्लाह लुकिंग काफ़ी अच्छी है, और इसके साथ आपको साथ साथ लेसिस भी जो आपकी नेक लाइन पर ये लैस है वो आपकी आगे स्लीव के साथ भी आपकी यूज़ होनी है। ये देखिए ये लैस आपकी स्लीव के जो एंड पॉइंट है वहाँ पे ये आपकी लैस जॉइंट होगी, ये एंड पॉइंट के ऊपर। ये माशाल्लाह आप लुकिंग चेक कर रहे हैं तो ये आपकी लैस यहाँ पे जॉइंट होगी। अब बैक साइड के ऊपर आपकी ये जो ऑरेंज कलर की लैस है, मीन के टी पिंक कलर आ जाता है, ये आपकी लैस बैक साइड के ऊपर यूज़ होगी और दुपट्टे के ऊपर भी यूज़ होगी। अब ये आप साथ इसको ट्राउज़र के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका दुपट्टा शो करवाता हूँ। दुपट्टा माशाल्लाह काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है और काफ़ी अच्छा डिसेंट बना हुआ है। माशाल्लाह आपके सामने ये ड्रेस का फ्रंट जो है आपके साथ शेयर किया है। ये इसका सारा फ्रंट है। फ्रंट के ऊपर माशाल्लाह आप अगर चेक करें तो ये सारी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुई हुई है, साथ इसके ऊपर से सारा सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। सेंटर में करके ये सारा ये कह लेंगे इसका पैनल्स बने हुए, साइड पे कह लेंगे ये एक पैटल से बन के ये एक स्केल सा पैच बन जाता है। दामन जो है इसका आपके साथ शेयर किया है। दामन इसका माशाल्लाह सेम एज इट इज़ बना हुआ, और एंड पॉइंट के ऊपर आप लैसी लगा सकते हैं। आप इसको भी कट वर्क जो है इसका ना करवा लें, आपकी चॉइस है। आप लैसी लगाना चाहें तब भी आपकी चॉइस है। बाकी ये इसका सारा फ्रंट हो गया। फ्रंट इसका माशाल्लाह काफ़ी ही अच्छा बना हुआ है। बैक साइड अलबत्ता इन्होंने जो है बिल्कुल प्लेन कर दी है। इवन कि जितना वेडिंग ड्रेस होते हैं बैक बिल्कुल आपको प्लेन नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करें या एटलीस्ट आप छट्टा वर्क ही करवा दें तो वो भी यूज टू में आ ही जाता है। अब मैं आपको जो इसके स्लीव चेक करवाता हूँ। स्लीव इसके फिर भी माशाल्लाह मच बेटर है। जैसे बैक इन्होंने प्लेन कर दी थी स्लीव उस तरह नहीं की है। स्लीव फ्रंट की तरह इन्होंने
वर्किंग की है, और ये सारी इसके ऊपर छटा लगा हुआ कढ़ाई का, और ये माशाल्लाह आगे बड़े बड़े फ्लावर से बने हुए हैं, इनके ट्री बने हुए हैं, और एंड पॉइंट के ऊपर ये आप चेक करें तो ये माशाल्लाह स्कैलप बने हुए हैं। स्कैलप जो है आप करवाएं या आगे लैस लगा लें, ये आपकी चॉइस है। ये देखिए इन्होंने जो है स्कैलप करवाए हुए हैं और आगे साथ लैस भी लगाई हुई है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके बाद अलबत्ता ये किया कि डेस्क के साथ इन्होंने रॉ सिल्क का जो है साथ ट्रोज़र दिए, और ट्रोज़र के ऊपर आप ये चेक करें तो ये सारी कढ़ाई हुई हुई है, छट्टा हुआ हुआ पूरे ट्रोज़र के ऊपर। ये आप अगर चेक करें तो मॉडल ने जो ट्रोज़र वेयर किया हुआ उसके साथ भी सारा छट्टा है, इसलिए इन्होंने भी जो है सारा छट्टा दिया हुआ सारा। इसके बाद जो इसका दुपट्टा है, दुपट्टा माशाल्लाह काफ़ी फैंसी स्टाइल में आ जाता है, और दुपट्टा आप कह लें कि इसके साथ तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसको और रेडी करना चाहें आपकी चॉइस है, अगर आप इस तरह भी वेयर करें तब भी आपकी चॉइस है। अब ये जो दो आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, ये एक बॉर्डर कटिंग हो गई इसकी जो है, जो दुपट्टे के पल्लू हैं यहाँ पर ऐड होंगे, क्योंकि आप अगर चेक करें तो ये साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है, और ये सिर्फ पल्लुओं के ऊपर जो है ये पैच बाद में आ जाएगा। अब मसल ये आपके फोर साइड के ऊपर आपके पल्लू बन जाएंगे, और दुपट्टा के अंदर जो सारा अगर वर्किंग चेक करें तो सारी सीक्वेंस टाइप वर्क हुआ हुआ है, स्ट्रीच से जो है सीक्वेंस को कंबाइन करके ज्वाइन करके जो है इसको अटैच किया हुआ है, और इस वजह से जो है इसकी लुकिंग दुपट्टे की माशाल्लाह मच एलिगेंट है। आप टू मच फैंसी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की प्राइस रेंज है उसके अकॉर्डिंग फिर भी मच बेटर ड्रेस है। इस प्राइस रेंज में ओरिजिनल ड्रेस मिलना जो है वो इतना कह लें कि ईजी नहीं होता, इसलिए ड्रेस काफ़ी बेटर है। नेक्स्ट ड्रेस जो है ये भी माशाल्लाह करिश्मा है, मरीना का फैब्रिक है इसका, और वॉल्यूम 2 का ये 2022 का ये आर्टिकल है, और दिस सीज़न में ये लॉन्च हुआ है, लास्ट ईयर का आर्टिकल नहीं है। आपको इसका फ्रंट चेक करवाते हैं, माशाल्लाह काफ़ी ही खूबसूरत सा आर्टिकल ये बना हुआ है। ले जी माशाल्लाह ये ड्रेस का मैंने सारा फ्रंट जो आपके सामने इसको ओपन कर दिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा जो है मैं इसको सेव कर सकूँ और वेस्ट ना करूँ। ये ड्रेस का सारा फ्रंट है, और फैब्रिक जो है इसका मरीना जगार्ड फैब्रिक है। फ्रंट इसका सारा आपको सामने प्रिंटेड नज़र आ रहा है, नीचे जो है इसके दामन के प्रिंट के ये सारे इसके जो है बॉर्डर्स हैं ये माशाल्लाह साथ ही ज्वाइंट हुए हैं, इतनी ज़्यादा आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी बैक साइड है अब आपको वो शेयर कर देता हूँ, फ्रंट तो आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है। फ्रंट के साथ जो कुछ थोड़े से पैचेज़ हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं फ्रंट के ऊपर भी और इसको बैक के ऊपर भी, और काफ़ी रिजनेबल जो है चीज़ें बनी हुई हैं। ये इसका माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत सा पैच है इसके साथ, ये आप इसको ट्राउज़र के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और शर्ट के साथ भी, फ्रंट और बैक के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ही अच्छा पैच है, और माशाल्लाह वर्किंग आप चेक करें तो काफ़ी नीट सी वर्किंग हुई है, इवन के पैचेस समटाइम काफ़ी रफ भी आते हैं मार्केट में। ये माशाल्लाह ड्रेस का फुल इसका फ्रंट ओपन हो चुका है, आप अगर नेकलाइन चेक करें तो सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नेकलाइन के ऊपर, और नीचे भी सारी एम्ब्रॉयडरी है, साइड इसकी थोड़ी सी प्लेन है। आप अगर यहाँ पे सीटी लेस ज्वाइन करें तो ड्रेस आपकी माशाल्लाह उसकी लुकिंग थोड़ी सी फैंसी हो जाएगी, और ओबियसली प्लेन सूटिंग को आप लेसिस के साथ ही उसकी लुकिंग फैंसी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एम्ब्रॉयडरी करवाना चाहेंगे तो वो वर्किंग थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। अब मैं आपको इसके पैचे शो करवा देता हूँ। ये जो इसका पैच है ये इसका नीचे दामन के ऊपर आएगा, जो एंड पॉइंट है इसका जो आप अगर देख रहे हैं पिक्चर में, तो ये माशाल्लाह पैच लगा हुआ है, तो ये आप अगर चेक करें तो ये इसका पैच आएगा बाद में यहाँ, या अगर चेक करेंगे तो ये इसका एंड पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पैच आ जाएगा, जिसके बाद ये माशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी मशीन के साथ लगेगा। नीचे से इसका फैब्रिक जो है वो इसका स्किप हो जाएगा, बाद में लुकिंग इसकी सेम एज इट इज़ आ जाएगी जैसे मॉडल की लुकिंग है। इसके बाद अगर मैं आपको इसकी बैक और स्लीव चेक कर रहा हूँ तो माशाल्लाह भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। स्लीव्स आपको पहले शेयर कर देता हूँ, स्लीव्स के ऊपर भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, जो इसका आप अगर लुकिंग चेक करें एम्ब्रॉयडरी की दो भी माशाल्लाह जैसे फ्रंट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वैसे ही एम्ब्रॉयडरी है। ऊपर से थोड़े से फैब्रिक कह लें कि प्लेन है, प्लेन में आप लैसेस को जो है वो सेंटर में ज्वाइन करके यूज़ कर सकते हैं, या क्रॉस में भी आप लैसेस को यूज़ कर सकते हैं। बाकी आगे आपको जो एम्ब्रॉयडरी है वो आपको मिल गई है, और ऐसे ही इसकी जो है बैक भी इसकी सेम एज इट इज़ बिल्कुल प्लेन सी इसकी बैक बनी हुई है, और बैक के ऊपर भी मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप इसको बैक के ऊपर भी लेसेस ज्वाइन करें, जैसे फ्रंट के ऊपर काम हो आपकी बैक भी थोड़ी सी फैंसी हो जाएगी। इंशाल्लाह हमने ये ड्रेस रेडी भी करने हैं, तो
तो ड्रेस जब रेडी होंगे तब भी आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे, जिससे आपको और मच बेटर आइडिया हो जाएगा। दुपट्टा जो है इसका, दुपट्टा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना हुआ है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। कि दुपट्टे के ऊपर जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि एक तो ये इनका कॉटन जो फैब्रिक होता है इसका, वो दुपट्टा है, और इसके ऊपर ये आपको बॉर्डर पे आप अगर चेक करें तो माशाल्लाह आपको ये कढ़ाई मिल रही है। आप अगर मॉडल ने जो दुपट्टा लिया है उसमें भी कढ़ाई है। और सेकंड चीज़ ये देखें कि इन्होंने आपको दुपट्टा फुल रेडी करके दिया, आपको दुपट्टा रेडी करने की नीड नहीं है। ये दुपट्टे के ऊपर इन्होंने 4 सेट जो है बेबी पिको करवा दी है, सेम थ्रेड वर्क के साथ, एम्ब्रॉयडरी मशीन के साथ, जो धागा का कलर है उसके साथ, और जो इसके दुपट्टे का फैब्रिक है उसकी बेस कलर के साथ। तो ये माशाल्लाह काफ़ी कह लें कि बेटर इसकी लुकिंग है, क्योंकि ये 4 सेट आपका यूज़ हो रहा है बॉर्डर, और इसलिए माशाल्लाह लुकिंग इसके बाद काफ़ी अच्छी आ जाएगी जब ये बॉर्डर आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये इनका शिमर वॉल्यूम 2 का आर्टिकल है, और ये शिफोन फैब्रिक के अंदर है। और ये मैंने आपके सामने इसका जो फ्रंट है इसको ओपन कर दिया, ये इसके टॉप के ऊपर, इसके नेकलाइन के ऊपर वर्किंग आप चेक कर रहे हैं, और ये सारी शर्ट के ऊपर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, सारा ऊपर सीक्वेंस वर्क हुआ है, ये काफ़ी हैवी वर्किंग है। ये जैसे ही शर्ट के ऊपर वर्किंग है वैसे ही इसकी सेकंड साइड के ऊपर भी आपको वर्किंग मिलेगी। वर्किंग माशाल्लाह काफ़ी डिसेंट है। अगर आप पिक्चर को चेक करें तो पिक्चर में आपको ये एम्ब्रॉयडरी नहीं लगेगी, आपको प्रिंट लगेगा जैसे जकार्ड का प्रिंट होता है, लेकिन एक्चुअल में ये आपको एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। ये इसका फ्रंट आपके सामने माशाल्लाह ओपन कर दिए। अब आपके साथ इसके जो है पैचेस को शेयर करेंगे, क्योंकि पैचेस के बगैर आपको पता है कि ड्रेस की एक्चुअल लुकिंग वो नहीं आती कि जो मॉडल ने वेयर किया हो। तो ये इसका जो है फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक पैच मिलेगा।